वन सेकेंड, टाइम का एक छोटा सा पार्ट, आप इस वन सेकेंड में क्या क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप अपनी पलक झपका सकते हैं, या फिर आप किसी बुक का पेज चेंज कर सकते हैं, या फिर इस वन सेकेंड में आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर प्ले कर सकते हैं, या वन सेकेंड की हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू है। अब ये वीडियो यहाँ तक देखते दौरान आपके लाइफ के 25 सेकंड्स गुजर चुके हैं, शायद ही के यहाँ पर इन 25 सेकंड की कोई वैल्यू ही नहीं थी, या फिर आपके लाइफ में एक सेकंड की कोई वैल्यू ही नहीं है। बट अगर इंटरनेट की दुनिया में यानी कि साइबर वर्ल्ड में इस एक सेकंड की बात की जाए, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये एक सेकंड कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। इंटरनेट की दुनिया में आप कंप्यूटर के सामने बैठकर सिर्फ एक सेकंड में आप कीबोर्ड का एक बटन प्रेस करके एक हैकिंग अटैक एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को बर्बाद करके रख सकती है। पर क्या हो अगर सिर्फ एक सेकंड के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया जाए, या फिर लेट सपोज हमारे साथ एक ऐसा बटन है जिसे प्रेस करने से पूरे दुनिया का इंटरनेट हम बंद कर सकते हैं, तो क्या होगा? तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आमिर हयात और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सेकंड के लिए या फिर एक सेकंड के लिए अगर पूरी दुनिया की इंटरनेट बंद हो जाए तो दुनिया में कौन कौन से इवेंट अकर होंगे, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद कर दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही कुछ जानने वाले हैं। चलिए सो गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। गाइज, अगर एक सेकंड के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो उसी एक सेकंड के दौरान 4 मिलियन ईमेल सेंड होना स्टॉप हो जाएंगे, यानी कि दिन के 347.3 बिलियन ईमेल सेंड होते हैं, और यानी कि एक सेकंड में 4 मिलियन ईमेल सेंड होते हैं जो कि सेंड होना स्टॉप हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च आधे से ज्यादा में से स्पैम में चले जाते हैं। तो इस एक सेकंड के लिए अगर इंटरनेट बंद कर दी जाए तो ये तमाम तर ईमेल सेंड ही नहीं होगी और वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा दुनिया में अकॉर्डिंग टू गूगल 2020 के मुताबिक एक सेकंड के अंदर अंदर 3 ज़ेटाबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट होता है। 3 ज़ेटाबाइट्स मीन के 3 ट्रिलियन GB ऑफ डेटा एक सेकंड में जनरेट होता है। तो अगर एक सेकंड के लिए इंटरनेट बंद हो गया तो ये डेटा बच जाएगा और ये यूज नहीं होगा। इस फिगर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में एक सेकंड में कितना ज्यादा इंटरनेट यूज होता है। और अगर नॉर्मली सोशल मीडिया की बात की जाए तो ट्विटर पर एक सेकंड में 1,43,199 ट्वीट्स पर सेकंड होते हैं। सो अगर एक सेकंड के लिए इंटरनेट बंद हो गया तो ये ट्वीट्स भी नहीं जा पाएंगे, और सिर्फ इंस्टाग्राम पर एक सेकंड में 1,000 से ज्यादा फोटोज अपलोड की जाती है। तो सिर्फ एक सेकंड के लिए अगर इंटरनेट डाउन जाता है तो ये फोटोज इंस्टाग्राम पर कभी अपलोड होंगी ही नहीं। और नॉर्मली गूगल पे 99,000 सर्चेस होते हैं पर सेकंड, तो अगर एक सेकंड के लिए इंटरनेट बंद हो गया तो ये 99,000 सर्च भी फेल हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मेटा, अगर व्हाट्सएप बंद हो गया तो एक सेकंड में 7,40,741 मैसेजेस सेंड होना फेल हो जाएंगे, और साथ में फेसबुक पर 54,977 पोस्ट होना फेल हो जाएंगे। तो अब शायद इंटरनेट की दुनिया में इस एक सेकंड की अहमियत को आप समझ चुके होंगे। इंटरनेट की दुनिया में ये एक सेकंड कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, तो हम ये जान लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है कि इंटरनेट को एक सेकंड के लिए बंद कर दिया जाए, या फिर वाकई ऐसा कोई किल स्विच दुनिया में मौजूद है जिसके दबाने से इंटरनेट बंद हो जाए। सो गाइस, इसका साफ और सीधा आंसर है नो, ऐसा इम्पॉसिबल है। कभी भी आप पूरे दुनिया का इंटरनेट बंद नहीं कर सकते। पर हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि आप किसी पर्टिकुलर कंट्री का या किसी पर्टिकुलर सिटी का इंटरनेट बंद कर दे एक पर्टिकुलर टाइम तक। अब ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी दुनिया का इंटरनेट एक टाइम तक बंद कर दे या शट डाउन कर दे? पर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो गाइस,
यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कोई एक सर्विस तो बंद हो सकती है, जैसे कि अभी आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है कि उनका सर्वर डाउन हो जाए और उनका इंटरनेट बंद हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल हरगिज नहीं है कि एक ही वक्त में पूरे के पूरे दुनिया के सर्विसेज बंद कर दिया जाए और इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाए। तमाम तर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के अपने सर्वर्स हैं। अगर एक सर्वर बंद हो जाए तो बैकअप में और बहुत सारे सर्वर्स लगे होते हैं, तो फौरन से ही उसका बैकअप सर्वर एक्टिवेट कर दिया जाता है। खुले अभी के वक्त में ये कहना कि पूरी दुनिया की इंटरनेट बंद की जा सकती है, ये कहना बेवकूफी ही होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि थोड़े वक्त के लिए पूरी दुनिया इंटरनेट से कट आउट हो जाए। सो आई होप गाइस ये छोटी सी रिसर्च आपके लिए फायदेमंद साबित होगी और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई होगी।